सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने की मुहिम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मथुरा में बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वो 2 अक्टूबर तक अपने घरों दफ्तरों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर लें। यहां प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद आज दुनिया के लिए मुसीबत बन गया है, इसकी जड़ें हमारे पड़ोस में पल रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। भारत इस चुनौती से निपटने में सक्षम है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में कुछ लोगों के कान पर अगर ऊ या गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा कहने वालों ने देश को बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। हमारे भारत में पशुधन काफी बड़ी बात है, इसके बिना अर्थव्यवस्था गांव कुछ नहीं चल सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के कार्यक्रम को प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति के लिए शुरू किया गया है। प्लास्टिक से पशुओं, नदियों, झील, तालाब में रहने वाले प्राणियों का नुकसान होता है। ऐसे में हमें सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाना होगा। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि 2 अक्टूबर तक सभी लोग अपने घर, दफ्तर, आसपास की जगह को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में फैलते बुखार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सड़क से संसद तक उन्होंने लोगों को जागरूक किया। योगी ने संसद के हर सत्र में इसकी आवाज उठाई। योगी की सरकार बनी तो कुछ ग्रुपों ने उन्हीं के माथे पर आरोप लगा दिया, जिस मुद्दे को लेकर वो 30-40 साल से काम कर रहे थे, अब उन्हें सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मथुरा के वेटरनरी विश्वविद्यालय में पशु आरोग्य मेले की शुरुआत की। इसके साथ ही पशुओं में होने वाली अलग अलग बीमारियों के टीकाकरण कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने देश भर के लिए 40 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए भी सभी से अपील की गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मथुरा पहुंचे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां प्रदर्शनी का जायजा लिया और वहां मौजूद अधिकारियों से बात की। पीएम ने यूज्ड प्लास्टिक को किस तरह नष्ट किया जाए उस मशीनी का जायजा लिया और कर्मचारियों से बात भी की। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इसमें बड़े स्तर पर टीकाकरण शुरू करने की योजना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने आगरा, हापुड़, मुरादाबाद के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।